आमदन से जायद असासों का केस नैब ने हमजा शहबाज को आज 11 बजे तलब कर लिया। नैब की टीम ने हमजा शहबाज की तलबी का नोटिस मॉडल टाउन रिहायशगाह मौसूल करवा दिया। लीगी रहनुमा को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली से मुख्तलिफ अकाउंट से फंड मुंतकिल होने बारे तफ्तीश की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज शरीफ मेडिकल सिटी में अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज के प्रोफेसर मियां नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे। गैर कानूनी भर्तियों का मामला, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमे पर समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। एहतसाब अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है, जबकि राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त पर भी समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। मुलजिमान पर 437 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने का इल्जाम है, नैब का मौकफ। गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन का मामला, राय एजाज कामरान मुमताज समेत 11 मुलजिमान को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। राय एजाज दीगर मुलजिमान पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। करप्शन मुकदमात की तफ्तीश, बोगस पेट्रोल बिल्स, जाली अलाउंसेस शोहदा फंड्स में हुई, नैब का मौकफ। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजदार की ख्वाहिश, वज़ीर आज़म के लिए मुख्तसलून पर रावलपिंडी जाने का फैसला। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजदार आज ट्रेन के जरिए रावलपिंडी जाएंगे।